So good evening, warm welcome to everyone to the Vanik YouTube live class. मैं विजय राम आपका स्वागत करता हूँ वानिक के YouTube live class में daily current affairs के साथ 9th April. So 9th April में आज हम लोग देखेंगे क्या कुछ हुआ है. Very good evening, Saurav. Good evening, warm welcome to everyone. Warm welcome to everyone. सो साउंड क्लियर है कि नहीं एक बार आप लोग बता देंगे और डिस्प्ले सही आ रहा है कि नहीं. सो यस मधु स्मिता लक्ष्मी प्रिया सौरभ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. सो आज का कोट है और आज का थॉट भी यही है. व्हेन वन डोर ऑफ हैप्पीनेस क्लोजेस अनदर ओपन्स. कहते हैं कि एक रास्ते अगर बंद हो जाते हैं तो कई रास्ते खुलते हैं. बट ऑफन वी लुक सो लॉन्ग एट द क्लोज डोर दैट वी डू नॉट सी द वन विच हैज बीन ओपन फॉर अस. अगर हम उस बंद दरवाजे की तरफ ही देखते रह जाएंगे तो वो खुला दरवाजा शायद हमें दिख ही ना पाए. तो ऑलवेज रिमेंबर नो इज ऑलवेज नॉट नो इट मे बी द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. हमें आगे के लिए सोचना चाहिए और हमेशा एक हौसला रखना चाहिए जो हम अपने पॉसिबिलिटीज़ के तरफ देखें, अपने डिजेबिलिटीज़ के तरफ नहीं, अपने ना करने को ना देखें, अपने करने को देखें, अपने उन बंद रास्तों को ना देखें, अपने वो खुले रास्ते को देखें. तो ये काफ़ी पॉजिटिव मोटिवेशन है हमारे लाइफ के लिए. सो हेलेन केलर का ये बात बहुत ही अच्छा है जो कि हमारे जो बंद दरवाजे हैं उनको ना देख के हम अगर खुले दरवाजे की तरफ देखें तो शायद हम बहुत ही ज़्यादा कुछ कर पाएंगे. सो चलते हैं. वेरी गुड इवनिंग. थैंक यू प्रसन्नजीत. प्रसन्नजीत आप लोगों ने बिल्कुल विकास सही कहा. सो क्लियर है. ओके सो हाइलाइट्स ऑफ द डे अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर 7 टेररिस्ट गन डाउन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस इन 2 डिफरेंट एनकाउंटर्स. हमारे सेना के जवानों को काफ़ी अच्छी एक कामयाबी हासिल हुई है. 2 मिलिटेंट्स को मार गिराए हैं. ओवर 1.31 लाख न्यू कोरोना वायरस केसेस रिपोर्टेड इन लास्ट 24 आवर्स. ये जो सेकेंड वेव है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मैंने हो रहा है सभी के लिए. लगभग एक दिन में 1.31 लाख नए केसेस. कंप्लीट लॉकडाउन कई स्टेट में घोषित हुआ है जैसे कि छत्तीसगढ़ का पूरा जो कैपिटल है 19 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन फिर से घोषित किया गया है. पीएम रिलीजेज हिंदी वर्जन ऑफ उड़ीसा इतिहास बाय डॉक्टर हरिकृष्ण महता. ब्रिटेन्स प्रिंस फिलिप्स अभी कुछ ही देर पहले ये इनका मैसेज आया है मैंने बीबीसी न्यूज़ में कि 99 एज में उनकी मृत्यु हो गई है. वी जोसा उस्मानी सिंड्रू सोन एज अ पोस्ट वार कोसोवो सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट. तो ये है कुछ हाइलाइट्स. अब देखते हैं एक एक न्यूज़ बारीकी से. सो वेरी गुड इवनिंग मोनालिसा बरसानी यूनिकॉर्न सुजाता रातू सौरभ प्रसन्नजीत विकास सेतुपर्णा अनुष्मान लक्ष्मी प्रिया मधुस्मिता सौरभ. सो नेशनल अफेयर्स में पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे अभी आ जाएगा कुछ देर में. क्वेश्चन तब तक मैं पढ़ता हूँ आप लोग सुनिए. क्वेश्चन है एज पर द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म ऑर्डिनेंस प्रोमल्गेटेड रिसेंटली द पावर्स ऑफ एप्लेट अथॉरिटीज आर वेस्टेड विद विच बॉडी. अब आपको डिस्प्ले दिख गया है. क्वेश्चन एक बार देख लीजिए. ट्रिब्यूनल्स एक तरह से क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है जो न कंप्लीट एक तरह से जुडिशियल बॉडी नहीं मानी जाती है. सो ट्रिब्यूनल्स को जो रिफॉर्म करने की ऑर्डिनेंस है. ऑर्डिनेंस भी हम जानते हैं क्या होता है. जब सेशन में हाउस ना रहे तब ये ऑर्डिनेंस जनरली आता है. तो एप्लेट्स जुरिसडिक्शन एक तरह से ट्रिब्यूनल रिफॉर्म जो है ऑर्डिनेंस का ये अभी रिसेंटली एप्लेट अथॉरिटीज़ के हाथ में है. एप्लेट का मतलब होता है लोअर टू हाई. हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा हमारे प्रावधान है
हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है वो अपेलेट जुरिसडिक्शन है, लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट सब कुछ हम लोग अपील कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल ये है कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस के तहत जो पावर है अपेलेट अथॉरिटीज़ का, ये किस बॉडी के हाथ में होता है। ऑप्शन जैसे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। सो आंसर सभी के पहले यूनिकॉर्न ने दिया है सुप्रीम कोर्ट, संकल्प कह रहे हैं हाई कोर्ट, चिन्मय साहू कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। देखिए ट्रिब्यूनल्स का रिफॉर्म, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स के पर्सपेक्टिव में आपको ये बताना है राइट कि ये क्या होगा। ज़्यादातर लोगों का आंसर सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही है, संकल्प भी कह रहे हैं, चिन्मय कह रहे हैं, बरसानी, माधवश्वेता, रातू, लक्ष्मी प्रिया सभी लोग कह रहे हैं। देखिए अगर रिट्स की बात करें या ट्रिब्यूनल्स की अपेलेट अथॉरिटीज़ की बात करें तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास अलग अलग पावर्स दिए जाते हैं, ठीक है। एज पर द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस यहाँ पे जो बात हो रही है ये हाई कोर्ट के पास होता है, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स की जो ऑर्डिनेंस है ये हाई कोर्ट पे है। देखिए सेंट्रल प्रोमल्गेट्स ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस इन मेनी एज नाइन लॉज, रिसेंटली नाइन लॉज पे बात हुई थी ऑर्डिनेंस में, ठीक है, जो चेंजेस हुए हैं। द सेंटर हैज़ रिप्लेस्ड द एग्जिस्टिंग एपलेट अथॉरिटीज एंड वेस्टेड दोज पावर्स इन हाई कोर्ट थ्रू एन ऑर्डिनेंस। द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 2021 प्रोमल्गेटेड ऑन संडे। दीज लॉज आर सिनेमेटोग्राफ एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, कस्टम्स एक्ट, पेटेंट एक्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, ट्रेडमार्क्स एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ गुड्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स एक्ट, कंट्रोल नेशनल हाईवे एक्ट, ये जितने भी ट्रिब्यूनल के जो रिफॉर्म्स हैं वो पावर जो है हाई कोर्ट में दिया गया है। सो रिसेंटली ये कहा जाएगा सेंट्रल जो है ये प्रोमल्गेट किया है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स जिसमें पावर जो है हाई कोर्ट को ऑर्डिनेंस के माध्यम से दिया गया है, राइट। हाँ देखिए अगर आप जो क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं एज पर आवर एपलेट ज्यूरिसडिक्शन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एपलेट जो हायर अथॉरिटी है दैट इज सुप्रीम कोर्ट, इसमें मैं दोहराए नहीं कह रहा हूँ। आप जो भी सुप्रीम कोर्ट दिए हैं इन जनरल आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट कहा है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन था यहाँ पे ट्रिब्यूनल रिफॉर्म की बात हुई थी, ये ट्रिब्यूनल रिफॉर्म का जो मैंने पावर है वो हाई कोर्ट के पास है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इन विच स्टेट ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट विल वर्क फॉर 5 days अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे फॉर द नेक्स्ट 3 months, माने 3 महीने तक का ये ऑफिशियली डिक्लेरेशन दे दिया गया है। सैटरडे संडे जो है कम्प्लीटली शटडाउन रहेगा और सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं उस स्टेट के 5 दिन के लिए ही सिर्फ वर्किंग होंगे मंडे टू फ्राइडे तक। सो ये किस स्टेट का ऑप्शन है आपको बताना है। ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। जी चिन्मय, हाँ बिल्कुल। सो प्रियंबदा सबसे पहले आंसर दे रही हैं मध्य प्रदेश, बरसानी, रातू, चिन्मय सभी का आंसर, रीमा भी बिल्कुल मध्य प्रदेश आंसर दे रही हैं, बहुत अच्छा। लक्ष्मी प्रिया, यूनिकॉर्न, सो मध्य प्रदेश, इतने लोगों ने जवाब दिया है तो बिल्कुल मध्य प्रदेश ही होगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑफिसेज टू वर्क फॉर 5 days अ वीक इन मध्य प्रदेश, ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज ऑफ द नेक्स्ट मतलब ऑफ द स्टेट विल वर्क फॉर 5 days अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे फॉर द नेक्स्ट 3 months, राइट। दिस वॉज डिसाइडेड इन अ हाई लेवल मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ CM शिवराज सिंह चौहान। सो CM है ये शिवराज सिंह चौहान, कहाँ के, मध्य प्रदेश के। इन अ व्यू ऑफ इंक्रीजिंग इन्फेक्शन ऑफ द कोरोना इन द स्टेट, सबसे ज़्यादा बैडली इफेक्टेड अगर कहा जाए हमारा स्टेट कोई है तो महाराष्ट्र फॉलोड बाय द मध्य प्रदेश, इन दो स्टेट्स में काफ़ी सख्ती बरती जा रही है और UP में भी अब नाइट कर्फ्यू जारी हुआ है। सो रिसेंट ये अपडेट्स हैं और ये 3 महीने तक ऐसा चलेगा। Also there will be lockdown every Sunday until further order.
सो कई स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा शक्ति बढ़ती जा रही है। बिल्कुल रीमा के बाद आंसर लक्ष्मी प्रिया का था, यूनिकॉर्न का है, मधुस्मिता का है, सुजाता का है, राकेश का है, साहू गुड्डू का भी है। वेल डन, बहुत अच्छा। मध्य प्रदेश ऐसा 5 दिन का ऑफिस का न्यू कल्चर स्टार्ट कर रहा है जो कि 3 महीने तक ये रहेगा। उड़ीसा के लिए अगर कहा जाए तो आज सबसे बड़ी खबर यही है कि इन अप्रैल पीएम मोदी विल रिलीज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द बुक, जो कि आज ही का न्यूज है। 9 तारीख को पीएम मोदी जी ने ये हिंदी ट्रांसलेशन जो किताब है जिसका नाम है उड़ीसा इतिहास, ये इनॉग्रेट करेंगे। और इसके ऑथर कौन हैं? पीएम मोदी रिलीजेज हिंदी ट्रांसलेशन बुक उड़ीसा इतिहास, जिसके ऑथर हैं, इसमें आपका कोई भी दो राय नहीं होगा। आंसर प्रियंबदा, चिन्मयी, लक्ष्मी प्रिया, सौरव, शुभाकांतो, प्रियंबदा, संकल्प, प्रिया, रीमा, मोनालिसा, मधुस्मिता, सभी का लगभग। अच्छा, हिरी के सुलभ भी कुछ लोग कह रहे हैं, मोनालिसा डी कह रहे हैं आप। हरे कृष्णा महताब होगा, ठीक है, हरे कृष्णा महताब। सो हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द बुक टू बी रिलीज्ड, जो कि आज के दिन हो गया है। इट वॉज रिटन बाय उत्कल केसरी, जिनका निक नेम है उत्कल के केसरी हैं, डॉक्टर हरे कृष्णा महताब। ही वॉज अ नोटेबल फिगर इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ही ऑल्सो सर्वड एज अ सीएम ऑफ उड़ीसा फ्रॉम 1946 टू 1950। अगर कहा जाए आज़ादी के टाइम में सबसे पहले हमारे उड़ीसा के सीएम किसने कौन थे, तो डॉक्टर हरे कृष्ण महताब आप कह सकते हैं, जो कि 1946 से 50 तक सर्व किए थे सीएम ऑफ उड़ीसा। सो फ्रॉम 56 टू 61 भी 2 बार ये सीएम रह चुके हैं। सो ही रोड द बुक इन अहमदनगर फोर्ट जेल वेयर ही वॉज इम्प्रिजेंट फॉर मोर देन 2 ईयर्स 40 to 45। सो कहने का मतलब है कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो मोदी जी रिसेंट माने आज के दिन 9 अप्रैल को लॉन्च किए हैं। कोई बात नहीं मोनालिसा, बिल्कुल सही आपका आंसर भी समझ गए, हरे कृष्णा मेहता भी है, बिल्कुल। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ, कुछ देर में आपको स्क्रीन में दिखेगा। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसके अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो है 2021 टेंड्स टू मेक अमेंडमेंट इन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ विच ईयर। सो क्वेश्चन ये है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये विजय माल्या के केस के बाद से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का केस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी हम लोग बस एक ही लाइन में ये कह सकते हैं कि इंसॉल्वेंसी एक इकोनॉमिक स्टेटस होता है, बैंक्रप्सी एक लीगल स्टेटस होता है किसी भी पर्सन का। इंसॉल्वेंसी ये है कि जब वो खुद से डिक्लेयर करे कि उसके लाइबिलिटीज़ जो हैं उसके एसेट्स से ज़्यादा हैं, वो इंसॉल्वेंसी है। बट यही जब कोर्ट डिक्लेयर करता है कि ही फॉर द पर्सन्स लाइबिलिटी इज़ मोर देन हिज एसेट्स, तब ये एक लीगल स्टेटस बैंक्रप्सी होता है। सो ये एक्ट जो है, मतलब कोर्ट जो ऑर्डिनेंस के रूप में था, ये 2021 में अभी न्यूज़ में है, ये कब पहले एक्ट में था? ऑप्शन प्रियंबदा का 2016 है, चिन्मय का 16 है, सुदीप्ता का भी 16 है, मोनालिसा का भी 16 है। तो मुझे लगता है कि 16 ही बिल्कुल सही जवाब है आपका। सो प्रेसिडेंट कोविंद प्रोमल्गेट्स एन ऑर्डिनेंस, आपको कमेंट में ये भी बताना है कि प्रेसिडेंट हैज अ पावर ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग, इसके आर्टिकल कितने हैं, आपको दोनों बताने हैं। प्रेसिडेंट के जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो किस आर्टिकल में आता है, और गवर्नर भी ये सेम पावर एंजॉय करते हैं, गवर्नर भी ऑर्डिनेंस दे सकते हैं, उनका आर्टिकल क्या है, आपको आर्टिकल बताना है किस आर्टिकल के तहत गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। ऑर्डिनेंस ये है जब सेशन में हाउस ना रहे, लोकसभा राज्यसभा, आइदर हाउस या दोनों हाउस,
तब इनके पास स्पेशल एक पावर है जो ये ऑर्डिनेंस दे सकते हैं, ये इनका अपना पावर होता है, राइट। सो डिस्क्रिशनरी पावर कह सकते हैं इनका है। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट के पास और पीएम के माने सॉरी गवर्नर के पास होता है। सो प्रेसिडेंट न्यूज़ भी तब तक देख लेते हैं। मोनालिसा के आंसर हैं 1, 2, 3 और गवर्नेंस माने गवर्नर का ये पावर किस आर्टिकल के तहत है आप ये बताएंगे। सो न्यूज़ देखिए क्या है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ प्रोमलगेटेड द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो कि 4 अप्रैल को था। ऑन 31 मार्च द यूनियन कैबिनेट हैड अप्रूव्ड प्रपोजल टू मेक अमेंडमेंट इन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। यही हमारा न्यूज़, यही हमारा आंसर था 2016 का। सो वेल डन, जो भी 16 का है बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। और आर्टिकल बिल्कुल बहुत अच्छा संकल्प आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा आंसर दिया है। 1, 2, 3 प्रेसिडेंट और 2, 1, 3 गवर्नर, एकदम थोड़ा सा नंबर इधर उधर है, ठीक है। 1, 2, 3 प्रेसिडेंट एंड 2, 1, 3 गवर्नर, राइट। सो ये अमेंडमेंट में क्या है, द अमेंडमेंट एम्स टू प्रोवाइड एन एफिशिएंट अल्टरनेटिव इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट पर्संस क्लासिफाइड एज एमएसएमई अंडर कोड। तो न्यूज़ यही था 2016 का, बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड जो था वो अभी रिसेंटली ऑर्डिनेंस जारी किए हैं प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 1, 2, 3, ठीक है। और यही पावर सेम एंजॉय करते हैं गवर्नर आर्टिकल 2, 1, 3 पे, 123, 213, 1, 2, 3, 2, 1, 3, इट्स अ वेरी सिमिलर टर्म। सो ये एक चीज़ बहुत अच्छा आपको सीखने को मिला, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल नूरल येरमेक विजिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन अप्रैल 2021। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये व्यक्ति हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं कजाकिस्तान के, कजाकिस्तान के, ठीक है, एशिया में ही है, सेंट्रल एशियन कंट्री है कजाकिस्तान। तो यहाँ से ये लेफ्टिनेंट जनरल नूरल येरमेक वैव आए हैं और ये राजस्थान में अभी विजिट पे आए हैं, राजस्थान के 2 शहरों में या 3 शहरों में या 1 शहरों में आए हैं आपको ये बताना है। और ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या दोनों हो सकता है, आप बताइएगा। सो वेरी स्मार्ट रीमा, चन्मई, आप लोगों ने प्रियंबदा, संकल्प, मधुस्मिता, सागर, सबने आंसर बोथ कहा है बी। वेल, बहुत अच्छी बात है। मधुस्मिता, सागर, रीमा, यूनिकॉर्न, संकल्प, चिन्मयी, प्रियंबदा, ये आप लोगों ने सुजाता, सुजाता ए कह रहे हैं, रातू डी कह रहे हैं, चलिए। सो दोनों ही हैं, जोधपुर और जैसलमेर दोनों ही शहर ये विजिट किए हैं। कजाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर विजिट्स जोधपुर एंड जैसलमेर, ठीक है, जोधपुर एंड जैसलमेर, ये दोनों ऑप्शन जो थे ए में जोधपुर था और जैसलमेर जो है कि बी में था, ठीक है। तो ये दोनों ही विजिट किए हैं डिफेंस मिनिस्टर कजाकिस्तान के, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल नूरल येरमेक बैव। ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिले हैं न्यू दिल्ली में और मैंने राजस्थान विजिट किए हैं जोधपुर और जैसलमेर। और येरमेक आल्सो विजिटेड द वार मेमोरियल इन दिल्ली एंड पेड हिज रेस्पेक्ट टू द फॉलन सोल्जर्स बाय लेइंग द रेथ। सो हमारे सेना के जवानों का जो वार मेमोरियल है दिल्ली में बना हुआ उस पर भी विजिट किए हैं ये डिफेंस मिनिस्टर कजाकिस्तान के, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यूनिकॉर्न, बिल्कुल दोनों आंसर सही होगा आपका। चलते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ भी देखते हैं क्या हुआ है। सो विजिट इस आज के डेट में मैंने जब ये क्वेश्चंस देखा तो विजिट्स बहुत ज़्यादा था, ठीक है, क्योंकि अब हर कंट्री में ही लगभग आने जाने लगे हैं लोग, ठीक है। अच्छा, कैपिटल अस्थाना और करेंसी जो है टेंगे है, ठीक है, बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा न्यूज़ आपने रातू दिया, धन्यवाद।
सो क्वेश्चन ये बताइएगा कि फॉरेन मिनिस्टर जो हैं ये किस कंट्री के अभी रिसेंटली दिल्ली आए हैं, क्योंकि अभी विजिट बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, कोविड के बाद अब विजिट साल चालू हो चुका है और थोड़ा ध्यान से हमें नोट डाउन करके रखना होगा अप्रैल मई जून कैसे कैसे किसका किसका विजिट है। तो अभी ऑफिशियली बड़े विजिट्स आ गए हैं, अब छोटे छोटे विजिट्स भी आएंगे। अब देखिए जैसे अफ्रीकन कंट्री से भी कुछ विजिट्स हुए हैं, तो आज की बात अगर करें तो दिल्ली में भी अगर अप्रैल में ये विजिट हुआ है, ठीक है, तो ये किस कंट्री से आए हुए लोग हैं जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, और सोमालिया, एरिट्रिया, सूडान, इथियोपिया ये सारे ही अफ्रीकन कंट्री हैं। अच्छा, सबसे पहले एरिट्रिया, प्रियंवदा ने आंसर दिया है, संकल्प कह रहे हैं सेकेंड लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग, हाँ ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग है, बिल्कुल। अच्छा एरिट्रिया, एरिट्रिया आप लोग कह रहे हैं, तो मुझे आप लोग बड़ा अच्छा नॉलेज आप रखते हैं, तो मुझे ये भी बताइएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। अफ्रीका को अगर हम लोग देखा जाए तो अफ्रीका मान लीजिए कि कुछ ऐसा है, ठीक है, इस तरह थोड़ा सा निकला हुआ है ना, और यहाँ मेडागास्कर है। सो ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है यहाँ पे तीन कंट्रीज या चार कंट्रीज का नाम मेनली आता है, ये कौन कौन से कंट्रीज हैं आपको ये बताने हैं। इट इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और ये जो आए हैं फॉरेन मिनिस्टर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ही एक देश से आए हैं, ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। ऑप्शन थे सोमालिया, एरिट्रिया, सूडान, एथियोपिया, और ज्यादातर ऑप्शन इसमें कॉमन है। आपने एरिट्रिया जो आंसर दिया था बिल्कुल ये सही जवाब है, असमारा। ठीक है, नहीं सोमालिया सौरभ नहीं होगा, सुजाता भी कह रही हैं और मधुस्मिता कह रही हैं, यूनिकॉर्न कह रहे हैं एरिट्रिया, लक्ष्मी प्रिया भी कहे हैं, ठीक है। सो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज के नाम क्या क्या हैं कमेंट्स में जल्दी बताइएगा। सो सागर नायक भी कह रहे हैं बिल्कुल सही है एरिट्रिया, ये न्यूज़ बिल्कुल सही है। सो सूडान, एरिट्रिया, सोमालिया, नहीं सूडान इसमें नहीं है, ठीक है, सूडान इज नॉट इन दिस हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यहाँ कंट्रीज जो हैं ये सोमालिया है, ठीक है, एरिट्रिया है, इथियोपिया है, और एक कंट्री जो है जिसका नाम है जुबोती। सोमालिया, इथियोपिया, केनिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, नो नो नो, जुबोती, सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया एंड जुबोती, दीज फोर कंट्रीज आर कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। चलिए एक नया चीज आपने सीखा, ठीक है, कोई बात नहीं, किसी का गलती भी हुआ हो तो हम लोग सभी लोग सीख रहे हैं, हम लोग गलती कर सकते हैं, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हम जब गलती ही नहीं करेंगे यानी हम सीखना बंद कर दिए हैं, हम तो यही मानते हैं। सो हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक बार आप ज्योग्राफी के मैप में जरूर देखिएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया एंड जुबोती, चार कंट्रीज ये हैं। सो एरिट्रिया से ये फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, अराइव्स इन दिल्ली, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एरिट्रिया, जिनका नाम है उस्मान साले मोहम्मद, ठीक है, साले मोहम्मद, ये अराइव किए हैं न्यू दिल्ली अप्रैल में, ऑफिशियल विजिट इनका हुआ है और मीट किए हैं डॉक्टर जयशंकर से कल, मैंने यस्टरडे, ठीक है। उस्मान साले मोहम्मद वॉज फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एडुकेशन फॉर एरिट्रिया फॉलोइंग इंडिपेंडेंस, ही सर्व्ड इन दैट पोजिशन फ्रॉम 1993 टू 2007। जी बिल्कुल संकल्प, हाँ ये मैं पहले बताया था आपको, तो यही चीज है, देखिए पहले बताए हैं तो कुछ याद करके भी आपको थोड़ा सा रखना चाहिए और रिवाइज करिए और हमेशा ये याद हो जाएगा, कुछ चीजें जो हैं बार बार आप सुनेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ हुम विल पीएम मोदी इनॉग्रेट अ रेंज ऑफ इंडियन प्रोजेक्ट्स इन सियाचेल्स वर्चुअली, सियाचेल्स में ये वर्चुअली, विथ हुम विल पीएम मोदी इनॉग्रेट्स, किसके साथ मिलके पीएम मोदी जी ने ये प्रोजेक्ट सियाचेल में इनॉग्रेट किया है इन अप्रैल 2021।
ऑप्शंस हैं एच ई अहमद अफीफ, वेवेल रामाकलवन, पैट्रिकिया फ्रैंकोट, जस्टिन वैलेंटाइन। सो प्रिया सबसे पहले कह रही है बी, सुदीप तो कह रहे हैं बी। देखिए ये आंसर क्या होता है, जो कि सियाचिन के प्रेसिडेंट हैं, जिसका नाम आप टिक मारेंगे वो सियाचिन के प्रेसिडेंट होंगे। बी 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 आंसर आपने दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था पीएम मोदी रिमार्क्स एट इनॉग्रेशन ऑफ वेरियस इंडियन प्रोजेक्ट्स इन सियाचिन विद प्रेसिडेंट रामाकलवन सीचेल्स अफ्रीका में एक ऐसा आइलैंड कंट्री है जो कि मैंने कह सकते हैं मॉरिशस, सीचेल्स, मेडागास्कर के ऊपर इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्री है। सीचेल्स एक ऐसा कंट्री है जहां पे रूपी कॉमन करेंसी है, ठीक है। रूपी लगभग 6 देशों में चलता है, जैसे कि इंडिया, ऐसे ही पाकिस्तान, ऐसे ही नेपाल, श्रीलंका, ये कंट्री जो है सीचेल्स। और छठा है मॉरिशस। सो ये 6 कंट्रीज में रूपी चलता है, राइट। रूपी इज द कॉमन करेंसी। हाँ, अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसी है, जैसे इंडियन रूपी इंडिया में है, पाकिस्तानी रुपीस पाकिस्तान में, नेपाली रुपी नेपाल में है, श्रीलंकन रुपी श्रीलंका में, सीएचएल्स रुपी सीएचएल्स में है, मॉरिशसन रुपी मॉरिशस में है। सबका अलग अलग वैल्यू है। और रुपिया चलता है रुपिया, ये इंडोनेशिया का करेंसी है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बात ये कर रहे थे कि सीएचएल्स में प्रेसिडेंट रामाकलवन, इनके साथ मोदी जी ने इनॉग्रेट किए हैं इंडियन प्रोजेक्ट को, ठीक है। पीएम मोदी एंड सीचेल्स प्रेसिडेंट वेवेल रामाकलवन जॉइंटली इनॉग्रेटेड अ रेंज ऑफ इंडियन प्रोजेक्ट इन सीएचएल्स वर्चुअल। द इवेंट फीचर्ड जॉइंट इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट बिल्डिंग एंड हैंडिंग ओवर अ फास्ट पेट्रोल वेसल टू सीएचएल्स कोस्ट गार्ड। It also included handing over a solar power plant and the inauguration of 10 community development projects. So, आपके लिए न्यूज़ ये था कि PM जो मोदी हैं ये लॉन्च किए हैं इंडियन प्रोजेक्ट्स वर्चुअली सियाचिन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। US स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय जो कि दूत माने जाते हैं फॉर क्लाइमेट कॉल्ड ऑन PM नरेंद्र मोदी इन अप्रैल 2021। हु इज द US स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट। रिसेंट अभी हमारे क्लाइमेट समिट में हमें विजिट करना होगा। सो US स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय, क्योंकि जो बिडेन अपने दूत हैं अलग अलग देशों में क्लाइमेट समिट के लिए भेजे हैं। सो इंडिया में अभी क्लाइमेट इन्वॉय जो है दूत क्लाइमेट के लिए इंडिया आ चुके हैं। सो ये पीएम मोदी जी से मिले हैं और इनका नाम क्या है ये आपको बताना है। हु इज़ द US स्पेशल प्रेसिडेंशियल इन्वॉय फॉर क्लाइमेट। ऑप्शंस हैं एल गुडे, जॉन केरी, एंटोनी ब्लिंकिन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो आप सोच ही रहे होंगे कि नहीं होगा। सो आंसर बहुत अच्छा, प्रियंवदा, संकल्प, रातु, लक्ष्मीप्रिया, यूनिकॉर्न, मोनालिसा, बरसानी, सौरभ, रीमा, मधुस्मिता, सुचेस्मिता, सुजाता। कोई डाउट ही नहीं है आपको, द पर्सन इज जॉन केरी। सो जॉन केरी जो है ये विजिट किए हैं इंडिया में, ये US के स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय हैं क्लाइमेट के लिए। जॉन केरी 7 तारीख को आए थे और ही ब्रीफ द PM अबाउट द अपकमिंग लीडर समिट ऑन क्लाइमेट, जो कि जो बिडेन का सबसे बड़ा अभी समिट होगा USA, जो कि मैंने मॉनिटर कर रहा है तरह से,
जो कि आने वाले 22 और 23 अप्रैल में होंगे। सो ही इन्फॉर्म्ड दैट यूएस वुड सपोर्ट इंडियाज क्लाइमेट प्लान्स बाय फैसिलिटेटिंग अफोर्डेबल एक्सेस टू ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड रिक्विजाइट फाइनेंस। सो जॉन केरी भारत में आए हैं जो कि यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय हैं क्लाइमेट के लिए। सो बहुत ही सही जवाब, बिल्कुल सही चिन्मयी अशोक, बहुत अच्छा सौरव, सुचिस्मिता, सुजाता, मधुस्मिता, रीमा, सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अभी दिख जाएगा कुछ देर में। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे हैज प्रोसीडेड ऑन 5 days विजिट टू विच इज कंट्री स्टार्टिंग 8 अप्रैल, यानी कल से ही ये शुरू हो गया है और 5 दिन की ये यात्रा में है। और हम लोगों ने कल भी इस विषय पे बात किया था, क्योंकि जो न्यूज़ हैं हम लोग बार बार सुनेंगे अलग अलग तरीके से, और भी कुछ डिटेल्स तो हमें हमेशा याद रहेगा। तो ये विजिट अभी भी जारी है, तो इसलिए क्वेश्चन को ऐड किए हैं। सो ऑप्शन है बांग्लादेश। सो आंसर बिल्कुल सही जवाब दिए हैं प्रियंबदा, यूनिकॉर्न, प्रिया, संकल्प, रीमा, मधुस्मिता, पीयूष, मोनालिसा, बरसानी, सुचिस्मिता, अशोक, लक्ष्मीप्रिया, वेल बांग्लादेश, वेरी गुड बांग्लादेश। बांग्लादेश अभी हमारे पीएम का भी विजिट हुआ था, 26 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान का बर्थ एनिवर्सरी था और स्वर्णिम जयंती था उनके आज़ादी का। आर्मी चीफ जनरल माने एमएम नरवणे भी रिसेंटली बांग्लादेश विजिट पे 5 दिन के लिए गए हैं। सो हीज विजिट कम्स इन द मिडस्ट ऑफ स्वर्णिम विजय वर्ष। अब हमारा क्या है, स्वर्णिम विजय वर्ष चल रहा है, सेलिब्रेशन 50 ईयर्स ऑफ लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। और हम भी अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव भी मनाने जा रहे हैं 2021 में 15 अगस्त को, हमारा भी माने लगभग 75 ईयर्स कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरह से हालांकि मुक्ति युद्ध या लिबरेशन ऑफ बांग्ला का जो वार था वो 50 ईयर्स कंप्लीट हुआ है। सो ही पे ट्रिब्यूट्स टू मार्टीज ऑफ लिबरेशन वार एट शिखा अनिर्बान। सो ही विल ऑल्सो विजिट बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान मेमोरियल म्यूजियम, जो रिसेंट कहा जाए न्यूज़ में था, धनमुंडी में है जो कि बांग्लादेश में है। तो शेख मुजीबुर रहमान का म्यूजियम वो विजिट करेंगे हमारे आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे साहब। सो चिन्मयी, रातू, सीताराम, सुरेश, सभी लोगों ने आंसर बी दिया है, वेरी गुड, वेल डन। क्वेश्चन अब आपके लिए नेक्स्ट आया है। इन अप्रैल 2021 द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 2 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, जिसे हम लोग PLI कह सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि लगभग 10,738 करोड़ का है। इट हैज बीन कंसिडर्ड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, LED, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव इवन और बोथ LED एंड एयर कंडीशनर। सो आंसर संकल्प का है बोथ, सुचिस्मिता कह रही है डी बोथ, प्रियंबदा भी बोथ बोथ बोथ, लक्ष्मी प्रिया बोथ, सभी लोग बोथ। सो बोथ ए एंड बी, यानी 1 और 2। सो लेट मैंने LED और एयर कंडीशनर दोनों की बात यहाँ पे की गई है, चलिए देखते हैं। सो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का जो वर्थ है 6,238 करोड़ का है, यू अप्रूव हुआ है। द कैबिनेट हैज अप्रूव 2 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स फॉर 10,738। इट हैज बीन कंसिडर्ड एज LED एंड एयर कंडीशनर, ये दोनों को एक साथ काउंट किया जा रहा है। So PLI of 6,238 crore has been approved for LED and air conditioner. The objective of the scheme is to make manufacturing in India globally competitive. एक तरह से ये production जो linked मैंने जो हमारा production linked incentive scheme है, ये 10,738 crore का, इसमें 6,238 crore approved हो गया है, जिसके तहत LED और एयर कंडीशनर अभी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी एक अच्छी खबर है जो कि रिसेंट हुआ है।
चिन्मय सुजाता शितुपर्णा सुरेश मधुस्मिता लक्ष्मीप्रिया कृष्णा सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन बैंकिंग एंड फाइनेंस लेते हैं. सो सिंस द लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हाउ मच परसेंटेज ऑफ लोन्स हैज बीन गिवन टू वुमेन एंटरप्रेनर्स. सो देखिए मुद्रा का फुल फॉर्म था माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफिनेंसिंग एजेंसी जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम में आया था जिसमें तीन स्लैब्स थे. पहला स्लैब था शिशु जो कि अप टू 50,000 का लोन था. इससे बड़ा था किशोर. किशोर जो है 50,000 से लगभग 5 लाख का था और तरुण जो है 5 लाख से 10 लाख का लोन था. तो ये शिशु किशोर तरुण जो है मुद्रा स्कीम में मिलते हैं. और ये रिसेंट अगर कहा जाए न्यूज़ क्या है सिंस द लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हाउ मच परसेंटेज ऑफ लोन्स हैव बीन गिवन टू वीमेन एंटरप्रेनर्स. जो वीमेन एंटरप्रेनर्स हैं इन्हें कितना लोन दिया गया है. ऑप्शंस हैं 48, 58, 68, 78. कितना परसेंट लोन जो है लगभग वीमेन को दिया गया है. सो बहुत अच्छा आंसर आपकी तरफ से आया है प्रियंवदा का. ठीक है प्रियंवदा सबसे पहले 68% बोली हैं और बाकी लोग संकल्प भी कहे हैं सुचिस्मिता भी कही हैं प्रिया भी कह रही हैं बिल्कुल सी जवाब 68. ठीक है लक्ष्मी प्रिया भी सी कह रही हैं मधुस्मिता बरसानी पीयूष पांडे एंड मोनालिसा साहू सुजाता अशोक रीमा सुरेश चिन्मय सभी लोग 68% बोले हैं. सो मुद्रा स्कीम सो 68% ऑफ द लोन हैव बीन गिवन टू वुमेन एंटरप्रेनर्स जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के तरफ से ये बात कही गई. सो फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज सेड दैट द दिस स्कीम ऑलमोस्ट 24% लोन्स हैव बीन गिवन टू न्यू एंटरप्रेनर्स एंड 68% लोन्स बीन गिवन टू वुमेन एंटरप्रेनर्स एंड अबाउट 51% ऑफ द लोन हैव बीन गिवन टू SC ST OBC बोरोअर्स. तो ये एक तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ये लोन था जो रीफिनेंस एजेंसी की तरह से काम करता है मुद्रा और मुद्रा लोन जो है काफ़ी अब पॉपुलर होने लगे हैं. सो मोर देन 28 crore 68 lakhs लोन फॉर द अमाउंट ऑफ नियरली 15 lakh crore rupees हैव बीन सैंक्शंड इन द लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. ये स्कीम वैसे 2015 में लॉन्च हुई थी प्रोवाइडिंग द लोन अप टू 10 lakh टू नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस. सो बिल्कुल सुजाता बिल्कुल चिन्मय सुरेश रीमा अशोक सुजाता मोनालिसा पीयूष बरसानी मधुस्मिता लक्ष्मीप्रिया अनिकॉन सभी लोगों ने सही जवाब दिया है. तो चलते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं. हालांकि ये आंसर तो आप बहुत इजीली देख के समझ पाएंगे. आंसर बहुत जल्दी कमेंट में दीजिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज NPCI जॉइंट हैंड टू लॉन्च अ डेडिकेटेड कैंपेन टू फोकस ऑन डीपनिंग द रीच ऑफ UPI ट्रांजैक्शन अक्रॉस ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन. अगर UPI की बात करें तो हर सेक्टर्स में इसे और डीप से डीप पहुंचाया जाए ये एक मानना है. और NPCI रिसेंटली एक बैंक के साथ अपना टाई की है. ठीक है सो फॉलोइंग बैंक हैज NPCI जॉइंट हैंड टू लॉन्च डेडिकेटेड कैंपेन टू फोकस ऑन डिपेंडिंग द रीच ऑफ UPI ट्रांजैक्शन अक्रॉस द सेकेंड ऑफ द पब्लिशर. तो SBI इज द करेक्ट आंसर आई होप. तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है. संकल्प हो प्रियंवदा हो मोनालिसा है लक्ष्मी प्रिया है सुचिस्मिता है यूनिकॉर्न बरसानी प्रिया रीमा अशोक मोनालिसा सभी लोग इस पे. तो बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये SBI और NPCI ये जो मिल के लॉन्च किए हैं UPI अवेयरनेस कैंपेन यही बहुत बड़ी न्यूज़ है. सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया have joined hands to launch the dedicated campaign to focus on the depending the reach of UPI transactions across all the sections of the population. This joint venture aims to encourage users State Bank of India's banking and lifestyle platform Yono.
योनो जो है क्या है, ऐप है SBI का, उसी से हम सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। टू ऑप्ट फॉर UPI पेमेंट्स विच इज इजी, सेफ एंड इंस्टेंटेनियस, और एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड है, ठीक है। सो SBI एंड NPCI ने UPI अवेयरनेस कैंपेन किया रिसेंट। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन में देखते हैं नाम किसका आता है, ठीक है। सो सुजाता, मधुस्मिता, मोनालिसा, अशोक, रीमा, बरसानी, यूनिकॉर्न, सुजस्मिता, प्रिया, लक्ष्मी प्रिया, मोनालिसा एंड प्रियंबदा, पद्दा, शंकर, पटना। सो चलिए देखते हैं इन अप्रैल हु हैज रिजाइंड, किसने अपना पद त्याग किया है। क्वेश्चन है कि किस पोस्ट से, तो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जो कि आदित्य बिरला सनलाइट ग्रुप के हैं, जो कि म्यूचुअल फंड है, ठीक है, आदित्य बिरला सनलाइट म्यूचुअल फंड। ऑप्शंस हैं प्रिया, मनीष, सुभा, रविंदर। इसका आंसर क्या होगा जरा देख के बताइए, सोच के बताइए। प्रिया जयरमन, मनीष डांगी, सुभा तत्वर्ती, रविंद्र ठक्कर। सो इनका नाम है ऑप्शन बिल्कुल सही। सबसे पहले आंसर संकल्प ने पूरा नाम लिखा है, मनीष डांगी, ठीक है, मनीष डांगी, यूनिकॉर्न भी कह रहे हैं, मनुष्य मधुस्मिता भी कह रही है, तो बिल्कुल मनीष डांगी आंसर होगा। सुजस्मिता, संकल्प, मधुस्मिता, यूनिकॉर्न, सो सभी लोगों ने कहा है, ठीक है। सो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड जो है ये रिसेंटली इनसे इस पोस्ट से रिजाइन किए हैं मनीष डांगी ने। मनीष डांगी का पोस्ट पहले था चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। सो महेश पाटिल विल बी द CEO इक्विटी एट ABSL म्यूचुअल फंड, विल कंटिन्यू टू एक्सरसाइज ओवर सुपरविजन ऑफ ऑल इट्स स्कीम। तो ये CIO जो हैं अभी महेश पाटिल होंगे, ठीक है। अभी ये देखा जाता है क्या होता है। सो ABSL आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के जो डांगी हैं ये रिसेंट रिजाइन किए हैं। सो कौस्तुभ गुप्ता विल टेक ओवर द हेड ऑफ द फिक्स्ड इनकम एंड इनका नाम बहुत बड़ा है, सुनियाना डी चुना विल टेक ओवर द हेड ऑफ द फिक्स्ड इनकम टैक्स, ठीक है। सो सिंपल था, मनीष डांगी ने रिजाइन किया है, ठीक है। हाँ, आई होप बी बिल्कुल आपका होप बिल्कुल सही है और बी एकदम सही जवाब था, मनीष डांगी, ठीक है। चलते हैं इम्पोर्टेंट डेट। When is the day of valor 2021 is observed? ये generally Philippines में observe होता है, किस तारीख को होता है ये आपको बताना है, ठीक है। So, जैसे ही आपको ये स्क्रीन पे दिखेगा आपको ये गेस करना है कि, या सही बता सकते हैं तो बताएंगे जरूर, 8th, 9th, 10th, 11th। और ये जो पिक्चर है वो एक तरह से पराक्रम का दिन है, ठीक है, और ये शौर्य अपना दिखाने का दिन है, या मतलब कह सकते हैं फिलीपींस को ये दिन फिलीपींस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक दिन है, ठीक है। तो ये कब मनाते हैं इसको आप बताएं, और आज ही जो है मैंने कह सकते हैं, और फिलीपींस में अलग अलग जगह पे आज ये दिन मनाया गया। ये शौर्य दिवस कह सकते हैं हम, पराक्रम दिवस है, जो कि आज ही के दिन बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, 9th April मनाया जाता है, ठीक है। सो टुडे इज वेलर डे इन फिलीपींस, ये फिलीपींस में है, फिलीपींस का ये है पिक्चर, ये फिलीपींस में मनाया जाता है आज ही के तक 9th April। द डे ऑफ वेलर, वेलर का मतलब हम शौर्य जानते हैं,
शौर्य है वीरता की बात करते हैं फिलीपींस में, और द डे ऑफ वेलर इज़ अ पब्लिक हॉलीडे जो कि फिलीपींस में आज ही के दिन पड़ता है 9th of April. इफ द डेट कन्फ्लिक्ट विद ईस्टर हॉलीडे देन द डे मे बी मूव्ड एज इट वॉज द केस इन 2009. तो ईस्टर और इसके साथ मैंने मैच हो तो उसे शिफ्ट करते हैं. इट इज़ अ डे ऑफ फॉर द जनरल फिलिपिनो पॉपुलेशन. स्कूल एंड मोस्ट बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स आर क्लोज्ड ऑन दिस डे. तो ये शौर्य दिवस है फिलीपींस का 9th April, राइट. सो बिल्कुल रीमा, सुरेश, यूनिकॉर्न, प्रिया, सुचिस्मिता, वर्षानी, मधुस्मिता, संकल्प, अशोक, सुरेश सभी ने सही जवाब दिया है. आज का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस देखते हैं हमारे इतिहास क्या कहते हैं. आज ही के दिन 1783 में यानी 9th of April टिप्पू शाही ड्राइव्स आउट ब्रिटिशर्स फ्रॉम बेडनोर इंडिया. और 1983 में 6 स्पेस शटल मिशन जो है चैलेंजर 1 इंडिया रिटर्न किया था, माने अर्थ पे रिटर्न किया था. सो चैलेंजर 1 जो है स्पेस शटल था छठा जो कि अर्थ पे वापस आया था. और 1669 में औरंगजेब जो है हिंदू टेंपल्स को डेमोलिश करने का ऑर्डर दिए थे. सो अन्ना हजारे 2011 में एंड किए थे अपने फास्ट को, जो माने अनटू डेथ उनका फास्ट चल रहा था जो कि लोकपाल लाने के लिए अन्ना मूवमेंट हुआ था 2011 में. सो 2011 में और एक बात है कि अन्ना हजारे वॉज अनाउंस टू बी गिवेन द IIPM रविंद्रनाथ टैगोर इंटरनेशनल अवार्ड जिसका प्राइज मनी था 1 करोड़ फॉर द एंटी करप्शन कैंपेन. और आज जो है शौर्य दिवस CRPF की तरफ से भी मनाया जाता है इंडिया में, ठीक है. सो टुडे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज अ शौर्य दिवस बाई CRPF. हमारे जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है उनके शौर्य दिवस आज ही के दिन 9th April को मनाई जाती है. फेमस पर्सनैलिटीज़ में अगर बर्थ का आज जिक्र किया जाए तो जया बच्चन का आज बर्थ एनिवर्सरी है, और सरन रानी जो कि इंडियन क्लासिकल सलूट प्लेयर हैं इनकी भी आज बर्थ एनिवर्सरी है. तो आज बस हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल इसी डिस्कशन के साथ. धन्यवाद.